बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन की रेसिपी। ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ न्यू बनाती हूँ, जो घर में मेरे पकता है उसी की वीडियो लेके मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। अगर आपको मेरा रेसिपी या चैनल पे जो भी वीडियो आते हो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ली हूँ। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसमें लाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, दही डाल रही हूँ इसमें आधा कटोरी, थोड़ा सा एक ड्रिप चिकन मसाला डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम प्याज फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारी थोड़ा सा ब्राउन हो चुकी है, इसे हम डालेंगे। दो टमाटर काट कर डालेंगे, ये मैंने पहले से काट ली थी, इसको डालेंगे। इसको हम अच्छे से गला लेंगे टमाटर को। यहाँ पर हम टमाटर के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इसमें हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसमें हम जो मसाले का पानी है वो डाल देंगे इसमें हम। उसको हम एक सीटी लगा लेंगे, उसके बाद हम उसको खुला पकाएंगे। मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, देखते हैं एक सीटी के बाद हमारा सालन का क्या हाल है। इसके बाद हम खुला पका लेंगे, क्योंकि ये चिकन है ना जल्दी गल जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। एक सीटी हो चुकी है, और जो भी है इसका हम जुड़ा लेंगे इसको। यहाँ पर मैं चार पाँच हरी मिर्च चाहिए भी हूँ, इसको डाल देंगे इसमें। जो भी पानी था चिकन में वो अच्छे से जुड़ चुका है, ऑयल भी अच्छे से निकल रहा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर, कोथमीर को थोड़ा सा पकने देते हैं। सालन हमारा रेडी हो चुका है, चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। चिकन का सालन हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।